मुंबई का रुख करेंगे, जहां पर हमारी संवाददाता श्रेया दुबे जुड़ गई हैं। श्रेया, आज अपने अंतिम सफर पर के निकल जाएंगे, किस तरह से लोग वहां पर जुट रहे हैं, आखिरी अलविदा कहना है अपने चहेते सितारे को, अपने सिंगर को, अपने गायक को? देखिए, इस वक्त हम के वर्सोवा स्थित बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं। यही वो बिल्डिंग है, पार्क प्लाजा, जहां पर के अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। हम आपको बता दें कि कल रात में करीब 9:30 बजे जो है वो के पार्थिव शरीर को जो है वो उनके खास वर्सोवा स्थित घर लाया गया। यही वो इमारत है जहाँ पर सारे जो सितारे हैं वो 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में उनके फैंस और उनके जितने भी सारे बॉलीवुड सिंगर्स एंड बॉलीवुड एक्टर्स फ्रेंड्स से वो उनको यहाँ पर अंतिम अलविदा देंगे। 12 बजे के बाद यहाँ से तकरीबन 10 मिनट दूर वर्सोवा शमशान भूमि है, वहाँ पर जो है वो के को अंतिम विदाई दी जाएगी। देखिए, अभी तक फैंस का जमावड़ा इतना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जैसे कि हमने आपको वक्त बताया कि 9 से 12 बजे के बीच में जो है वो अंतिम दर्शन जो है वो के होंगे। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स आपको गेट पर नजर आ रहे होंगे। तो साफ तौर पर जो है 9 बजे से 12 बजे के बीच में के को के जितने भी बॉलीवुड सितारे या सिंगर्स उनके दोस्त हैं वो यहाँ पर आके उन्हें अंतिम विदाई देंगे, और साथ ही साथ उनका परिवार जो है वो भी उनके साथ इस वक्त उनके घर के अंदर मौजूद है। साफ तौर पर जब उनका पूरा परिवार कर एयरपोर्ट से घर आ रहा था तो सबका चेहरा काफी ज्यादा उतरा हुआ था, क्योंकि ये जो सदमा है उससे निकलने में लोगों को काफी ज्यादा वक्त लगेगा। क्योंकि देखिए, के कोलकाता गए थे 2 दिन के कॉन्सर्ट के लिए, लेकिन किसी को कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी कोई न्यूज जो है वो साफ तौर पर बाहर आ सकती है। तो साफ तौर पर कॉन्सर्ट के ठीक बाद जब के अपने होटल रूम में पहुंचे, तभी भी उन्हें हम बता दें कि काफी सारी तस्वीरें आई हैं जहां वो लिफ्ट में झुक के खड़े हैं, तो साफ तौर पर उन्हें काफी ज्यादा अनईजी लग रहा था, जिसके बाद जब वो होटल रूम में पहुंचे हैं तो गिर गए हैं। तो जब वो गिरे तो उनके सर पर चोट लगी, और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो साफ तौर पर उन्हें मृत्यु घोषित किया गया। और जब ये न्यूज जो है पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री और साफ तौर पर उनके फैंस के सामने आई है तो साफ तौर पर सबको काफी ज्यादा सदमा लगा है, क्योंकि के ऐसे कलाकार थे जो यूथ को रिप्रेजेंट करते थे, उनके जो गाने हैं वो काफी ज्यादा मशहूर थे। ठीक है, तो साफ तौर पर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा उनके गाने को मिस करेंगे। देखिए, वो जरूर हमारे हमें छोड़कर चले गए हो, लेकिन उनके जो गाने हैं वो हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं। उधर लाख कोशिश के बावजूद अमेरिका कच्चे तेल की कीमतों को नीचे लाने में कामयाब नहीं हो पा रहा। कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों में अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर है, लेकिन फिर भी वो कच्चे तेल की कीमतों को काबू में करने में नाकाम है। जबकि वो चाहे तो कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाकर कीमतों को काबू में ला सकता है। इससे पहले भी कई बार अमेरिका ऐसा करता रहा है। 2014 में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बाद अमेरिका ने तेल का उत्पादन बढ़ा दिया था, लेकिन इस बार तो अमेरिका कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला भी नहीं कर पा रहा। कुछ रिपोर्ट तो दावा कर रही हैं कि अमेरिका की तेल के उत्पादन से जुड़ी कंपनियां खुद ही भ्रम में हैं। वो ये समझ ही नहीं पा रही कि तेल का उत्पादन बढ़ाएं या न बढ़ाएं। इसके अलावा दुनिया भर में पिछले कुछ सालों में तेल निकालने की तकनीक में भी बड़ा बदलाव आया है। तकनीक में होने वाले इस बदलाव ने इस काम को काफी महंगा भी बना दिया। ऊपर से तेल के उद्योग में निवेश करने वाली कंपनियां भी इस वक्त बेहद सावधानी से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि डामाडोल आर्थिक हालात नुकसान की वजह भी बन सकते हैं। दूसरी तरफ कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन पर भी अमेरिका की पकड़ ढीली हुई है, जिसका असर यह है कि इस संगठन ने प्रोडक्शन बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है, और जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तब तक कीमतें कम होना मुश्किल है। अमेरिका में रोज करीब 1.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल निकाला जाता है, लेकिन परेशानी यह है कि अमेरिका में कच्चे तेल की खपत इससे कहीं ज्यादा है। अनुमान के मुताबिक वहां रोजाना की तेल की खपत करीब 2 करोड़ बैरल है। इसीलिए अमेरिका अपनी जरूरतों के लिए भी कच्चा तेल रूस समेत दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करता है। ऊपर से रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने की वजह से अमेरिका में रूस का कच्चा तेल आना भी बंद हो गया, जिसका असर यह है कि अमेरिका में महंगाई रिकॉर्ड बना रही है और पेट्रोल के दाम अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से दुनिया का हाल देखने की बजाय अमेरिका अपनी ही अर्थव्यवस्था में लगी आग बुझाने में जुटा है। इस बीच रूस ने तेल और गैस पर हेकड़ी दिखाने वाले यूरोप के देशों को जवाब देना जारी रखा, और हॉलैंड के बाद डेनमार्क में गैस सप्लाई बंद कर दी। रूस की रूबल में लेन देन की शर्त यूरोप के ज्यादातर देशों को मंजूर नहीं है, और वो खुलकर इसके लिए इनकार कर रहे हैं। पहले हॉलैंड और अब डेनमार्क ने रूस को आंखें दिखाई।
डेली मेल ने लिखा कि डेनमार्क की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी एस्टल ने रूस की ऊर्जा कंपनी गस्प्रोम को रूबल में पेमेंट करने से मना कर दिया, जिसके बाद रूस ने भी बिना देर किए वहां होने वाली तेल और गैस की सप्लाई रोक दी, जिसका सीधा मतलब यह है कि रूस यूरोप के देशों के आगे नहीं झुकेगा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने साफ कर दिया है कि उसे दूसरे ग्राहक मिल जाएंगे, मतलब रूस ये समझ रहा है कि दुनिया में उसका तेल और गैस खरीदने वाले कई खरीदार हैं जो बिना शर्त उससे लेन देन करेंगे। जबकि डेनमार्क का मानना है कि उसे फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होगी। डेनमार्क उत्तरी यूरोप का एक ऐसा देश है जो हजारों द्वीपों से मिलकर बना है और केवल एक तरफ से उसकी सीमा जमीन से लगती है। डेनमार्क जिस देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है वो है जर्मनी, जबकि बाल्टिक सागर उसे स्वीडन से अलग करता है। मतलब डेनमार्क ऐसे देशों से घिरा है जो रूस के दुश्मन है। स्वीडन नेटो में शामिल होने की वजह से पुतिन के निशाने पर है, जो जर्मनी यूक्रेन के साथ खड़े होने की वजह से उसका दुश्मन बन गया। लेकिन जर्मनी की मजबूरी यह है कि वो रूस से तेल और गैस खरीदना बंद नहीं कर पा रहा। दावा किया गया कि रूस जर्मनी को भी परेशान करने के मूड में है और जल्द ये ऐलान कर सकता है कि जर्मनी को रूस का तेल और गैस नहीं मिलेगा। इससे पहले रूस पोलैंड, बल्गेरिया, फिनलैंड और हॉलैंड के साथ ये कर चुका है। डेली मेल ने दावा किया कि अगर डेनमार्क जर्मनी को तेल और गैस न दे तो उसे अगले 5 महीने तक दिक्कत नहीं होगी और कम से कम अगले 5 महीने तक डेनमार्क के लोगों की ऊर्जा जरूरतें पूरी होती रहेंगी। दावा किया गया कि डेनमार्क का गैस भंडार 55% तक भरा हुआ है, जिससे अगले 5 महीने तक डेनमार्क और स्वीडन दोनों देशों की गैस की जरूरत पूरी हो सकती है। यही नहीं, डेनमार्क की दलील है कि रूस से डेनमार्क तक कोई गैस पाइपलाइन सीधी नहीं जाती क्योंकि बीच में समंदर आता है, जिसका मतलब यह कि डेनमार्क को उम्मीद है कि उसे गैस मिलती रहेगी। रूस ने डेनमार्क पर यह पाबंदी यूरोपियन यूनियन की बैठक के अगले दिन लगाई, क्योंकि इस बैठक में रूस से तेल और गैस का आयात 90% तक बंद करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। महाराष्ट्र में लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की गई। मुंबई और पुणे में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने एयरपोर्ट और दूसरी जगहों पर मेडिकल जांच बढ़ा दी। जम्मू कश्मीर के सांबा में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और कुलगाम आतंकी हमले में मारी गई टीचर के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में राजघाट पर कांग्रेस की आजादी गौरव यात्रा के समापन समारोह में सोनिया गांधी समेत कई नेता शामिल हुए, लेकिन वहां सिख विरोधी हिंसा में घिरे जगदीश टाइटलर के पहुंचने पर विवाद हो गया। उधर स्वीडन और फिनलैंड जैसे रूस के पड़ोसियों की अर्जी पाकर भले ही नेटो और अमेरिका अपनी पीठ थपथपा रहे हों, इसे रूस पर अपनी सांकेतिक जीत मान रहे हों या, लेकिन कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि स्वीडन और फिनलैंड नेटो के लिए उतने काम के साबित नहीं होने वाले जितना वो सोच रहे हैं। उल्टा दोनों ही देश नेटो और अमेरिका पर बोझ बन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही देशों की सेनाओं का फोकस हमेशा सिर्फ अपनी ही जमीन की रक्षा करने का रहा है, जबकि नेटो का मकसद उसके सभी 30 सदस्य देशों की रक्षा करना है। ऐसे में स्वीडन और फिनलैंड नेटो को फायदा पहुंचा पाएंगे भी इस बात पर शक है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, नेटो देशों ने 2006 में यह फैसला लिया था कि वो अपनी GDP का कम से कम 2% हिस्सा डिफेंस पर खर्च करेंगे, और न तो स्वीडन और न ही फिनलैंड अपनी GDP के इस 2% के खर्च के करीब है। और तो और, दोनों ही देशों को रूस से सीधा कोई खतरा भी नहीं है। खुद पुतिन कह चुके हैं कि रूस को फिनलैंड और स्वीडन से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेटो के लिए उन्हें अपने खेमे में शामिल करना अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को उन पर लुटाने के बराबर होगा। इससे अमेरिका को ही उनकी सुरक्षा का खर्च ढोना पड़ेगा और अमेरिका की हालत पहले ही खराब है।